रविवार को भिलाई जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और आदि पुरुष फिल्म में हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के चरित्र चित्रण एवं विवादास्पद संवादों को लेकर फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। रामायण पर बनी बहुचर्चित फिल्म आदि पुरुष का विरोध होना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इस फिल्म में रामायण को आधुनिक तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है और इस चक्कर में फिल्म निर्माता ने भगवान श्री राम एवं अन्य किरदारों के संवाद में कई विवादास्पद शब्दों का प्रयोग किया है एवं रामायण को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप भी फिल्म निर्माता पर लगाया जा रहा है। इस फिल्म आदि पुरुष का विरोध करते हुए भिलाई जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में तहसीलदार गुरुदत्त पंचभाई एवं दुर्ग जिला शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर भाजपा के सदस्य स्वयं छवि ग्रहों में इस फिल्म का विरोध करेंगे एवं फिल्म को बंद कराने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहा गया है। आरोप ये भी लगाया सेंसर बोर्ड के ऊपर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के ऊपर भी लगाया, लेकिन इस तरह राजनीति न करें कि कहाँ है भगवान को राम। भगवान राम को मानने वाले पूरे विश्व में है, अरबों लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इनको मानने वाले सब लोग हैं और हिंदू से ही तो सभी धर्मों का उद्धार हुआ है। तो ये सब बनावटी बातें ना करें, राजनीति करने ना करें। हम लोग राजनीति करने नहीं है, हम बोले क्या पहले कि आरोप लगाए हिंदू को, आपने पूछा इसलिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा में ठेस पहुँचाए, भक्ति में ठेस पहुँचाए, भक्ति और शक्ति का प्रमाण है रामचरित मानस हनुमान जी महाराज, उनके ऊपर इस तरह के जो गढ़ टिप्पणी होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण जो कि सांसद महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं और इनका यह है कि जो नई एक मूवी आई है आदि पुरुष उसको लेकर आपत्ति है इनको, उस आपत्ति को प्रशासन तक ठहराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन हमें रिसीव कर लिया है। मूवी के विरोध को देखते हुए हम पर्याप्त व्यवस्था जितने थिएटर्स हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण को चरितार्थ करती है फिल्म आदि पुरुष अब विवादों के घेरे में आ खड़ी हुई है, क्योंकि इस फिल्म के संवाद विवादास्पद होने के साथ साथ रामायण में बताए गए किरदारों के चरित्र चित्रण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य हिंदू संगठन भी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग लगातार कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।